सो दोस्तों ये देखिए, ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारा आता है। इसके साथ ये प्रीएम भी आता है, तो यहाँ पे ये नहीं आते नोब जी, इसके अंदर लगे हुए ये मैंने लगाए हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये बोर्ड जो है वो किसी ने ऑर्डर किया है, तो साथ ही इसका साउंड टेस्ट भी हो जाएगा, और जो मैं करने वाला हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे इसके साथ हम एक और बेस स्टेबल बोर्ड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। तो गाइज़ इसके अंदर हमारा 30-30 5 से 6 एम्पियर या 35-35 5 से 6 एम्पियर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है ये ब्लूटूथ में पावर सप्लाई देने के लिए है, तो ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये इसके साथ नहीं आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने दो कनेक्टर को जोड़ के बनाया है, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारा बोर्ड है, इसके अंदर कौन सा बोर्ड लगाने वाले हैं, तो गाइज़ हमारे पास ये बोर्ड है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्लियरली तरीके से। तो गाइज़ ये हमारा एक बोर्ड है, ठीक है। तो गाइज़ सबसे अच्छा बोर्ड मुझे यही वाला लगता है, इससे काफ़ी अच्छा है, इसमें 3 IC है, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा बोर्ड मुझे ये वाला लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा करके इनपुट देता है, ठीक है। तो गाइज़ कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ आप लोगों को इसके कनेक्शन तो मिलते ही हैं, और जो ये वाला कनेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो कनेक्टर है वो इसी के अंदर लगा होता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से ये कनेक्टर हटा दिया है, और इसके अंदर इसका जो हमारा इनपुट एरिया है वहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि इसमें हमारा ब्लूटूथ पैनल का लगेगा इनपुट। तो ब्लूटूथ पैनल क्या करेगा, इसमें आएगा, इसमें इनपुट भेजेगा, और इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, इसको हम इसके इनपुट में लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा जो इसके अंदर इनपुट आएगा ब्लूटूथ से, वो यहाँ से निकल के इसके अंदर इनपुट आएगा, इसके आउट से निकल के इसके इन में आएगा, ठीक है। इसके इन से जा करके ये इसका आउट सेक्शन है, ये आउट सेक्शन जा करके इसके इन में लग जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ लग गया, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है गाइस, लेकिन अगर आप कनेक्शन करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँगा तो आप और भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ एक तरीका, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका जो आउट वाला सेक्शन होगा, ठीक है, वो इसके इन में जाएगा, और इसका जो आउट वाला सेक्शन होगा वो एम्पलीफायर के इन में जाएगा। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, इसको इसकी जगह रख सकते हैं, इसको इसकी जगह रख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे अब करते हैं पावर सप्लाई की बात। तो गाइज़ आपको पता है इसके अंदर तो पावर सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15-15 की सप्लाई आती है डीसी में, तो इसके अंदर पावर सप्लाई हमें देने की ज़रूरत है नहीं। अब हमें जो पावर सप्लाई देनी है वो इसके अंदर देनी है, तो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है देखिए, और ये बोर्ड अगर लेते तो आपको कनेक्टर भी मिल जाएगा। और अगर आप ये बोर्ड परचेस करना चाहते हैं, ये बोर्ड परचेस करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे स्टोर मतलब मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जा करके आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। या फिर पॉपशॉप स्टोर भी है मेरा, तो एक सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को गाइज़, अगर आप पॉपशॉप स्टोर पर जाते हो, ठीक है, और वहाँ से आप बुक करना चाहते हो, तो पहले आप बुक मत करना, पहले आप मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो पॉपशॉप स्टोर है वो बंद होने वाला है, इसी वजह से वहाँ से शिपिंग जो है वो हो नहीं पा रही है। जो भी है आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, फिर जो भी डिटेल होगी मैं आपको बता दूंगा कैसे बुक करना है, ठीक है। तो ये रही, ये थी सारी बात। तो अब हम क्या करेंगे गाइज, इस बेस ट्रेबल बोर्ड में जो हमारा मिड वाला बेस ट्रेबल बोर्ड है, इसके अंदर हम जो है 12-12 1 एम्पेयर की सप्लाई देंगे, जो कि ये मेरे पास है, ठीक है। तो इससे ये जो बोर्ड है वो ऑपरेट हो जाएगा। इसके अंदर आपको डीसी में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। तो गाइस जल्दी से मैं सारे कनेक्शन कर लेता हूँ, और एक बार ब्लूटूथ पैनल भी दिखा देता हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो गाइस ये हमारा ब्लूटूथ पैनल है, तो गाइस आपको सिंपली से इस कनेक्टर को इसमें लगा देना है, ठीक है, और इसका जो इनपुट वाला एरिया है उसे यहाँ लगा देना है, बस आपके सारे कनेक्शन हो गए। तो जल्दी से मैं सारे कनेक्शन कर लेता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट जो है वो देता हूँ। गाइज प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, देखेंगे दोनों बेस ट्रेबल के साथ जो इसका साउंड है वो कैसा आता है। अगर अच्छा आएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा, आप एक साथ दो बेस ट्रेबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज इस वीडियो को मैं जैसे ही कनेक्शन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये देखिए पूरे कनेक्शन हो गए हैं, और पावर सप्लाई भी मैंने ऑन कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फिर से एक और बार कनेक्शन समझा देता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जो ब्लूटूथ का इनपुट है वो इस वाले बोर्ड के इनपुट में लगा हुआ है, ठीक है, इसका आउटपुट जो है वो इसके इन में लगा हुआ है, और इसका जो आउट है वो एम्पलीफायर के इन में लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन है। इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो इस बोर्ड से ही आ रही है, और इसके अंदर मैंने अलग से 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है 12012 का, जो कि इस बोर्ड को पावर सप्लाई देगा। और गाइस पावर सप्लाई ऑन है और यहाँ पे 30035 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस ये जो है पावर सप्लाई ऑन है और ये मेरे फ़ोन से भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो बूफर यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे 10 इंची का बूफर है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आपको एक आवाज़ आएगी जो कि इसकी होगी जब इसके अंदर बेस बनेगा, तो ये कार्टून लगा हुआ है तो ये आवाज़ करेगा, तो जिसके वजह से आपको लगेगा कि बेस फट रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको चला करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़ोन है उससे मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। एक सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये भी मेन वॉल्यूम है, इससे भी कम होगा, ये बेस है, ये ट्रेबल है, ये बेस है, गाइस जो इसका बेस है वो काफ़ी तगड़ा आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे आपको फिर से एक और बार बेस वॉल्यूम जो है वो बढ़ाता हूँ और आप देखना। तो गाइस जो एक चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, जो भी आवाज़ आ रही है वो पर्दे में से आ रही है। ठीक है, क्योंकि इस स्पीकर का जो पर्दा है वो लो क्वालिटी का है जो कि आवाज़ कर रहा है। जैसे कि मेरे टावर वाले होम थिएटर में था, जब मैंने उसका पर्दा चेंज करवा दिया तो ऐसी आवाज़ नहीं आती है। तो ये स्पीकर की प्रॉब्लम है, एम्पलीफायर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दो आप चाहे तो 2-3 भी बेस ट्रेबल बोर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो गाइस आप देख सकते हैं 2 बेस ट्रेबल बोर्ड के साथ कैसा साउंड मिल रहा है। आप चाहे तो 3 भी यूज़ कर सकते हैं और भी अच्छा आउटपुट के लिए, बट जो आपका स्पीकर है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। ये लो क्वालिटी का स्पीकर है इसलिए जो इसकी आवाज़ है वो ऐसी होने लगी थी। ठीक है, तो जब मेरे पे बड़ा स्पीकर आ जाता है इसके, इस बोर्ड के ऊपर आप 15 इंची तक के स्पीकर चला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बोर्ड है और ये है। तो भाई जो जिन्होंने भी ये बोर्ड मंगाया था उनका साउंड टेस्ट मैंने साथ ही दे दिया है, तो ये मत कहना कि बोर्ड ख़राब दे दिया है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।